वंदे भारत ट्रेन जो है, जो आप देख रहे हैं, ये मॉडल ये 2019 में बन चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। ये ICF के थ्रू बना है एंड ICF की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ओके, 2019 में बन चुका है। ये वाली फैक्ट्री चेन्नई में है, जो जहाँ पर इसका मैन्युफैक्चर हुआ है। द स्पेशल थिंग ऑफ द ट्रेन इज़ कि इसका हर सिंगल पार्ट भी इंडिया में ही बना है। इसके लिए आपको बाहर कंट्री में जाके कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर्स एंड ये जाती है, इट रन्स दिल्ली टू श्रीलंका, दिल्ली टू वैष्णो देवी एंड दिल्ली टू वाराणसी। ये इसका मॉडल है। इसमें स्पेशलिटी ये है, इसमें चेयर्स हैं, वो आप रोटेट कर सकते हैं, फेस टू फेस कर सकते हैं। और इसकी जो कार बॉडी बनी है वो स्टेनलेस स्टील कार बॉडी की बनी हुई है। इसमें ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं और ये फुल्ली एसी कवर्ड होता है। लाइक अगर आप अंदर बैठेंगे आपको लगेगा नहीं कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, आपको लगेगा आप किसी फ्लाइट में बैठे हैं। ये नया है। हम कहाँ से कहाँ तक ये? दिल्ली से वहाँ से दिल्ली पड़ा। दिल्ली हिमालयन रेलवे है। यहाँ की स्पेशलिटी है टॉय ट्रेन। तो इसमें क्या है, यहाँ पर उसका मॉडल दिया हुआ है। इसमें आपको वाइड लार्ज ग्लास विंडोज़ दी गई हैं। ऊपर का जो टॉप रूफ है वो ट्रांसपेरेंट है और आप पूरी सीनरीज इंजॉय कर सकते हैं। इसका जो नॉर्मल जो चेयर का साइज़ होता है, नॉर्मल साइज से बड़ा होता है। ये सब है। ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन का ओरिजिनल मॉडल है। तो इसकी स्पेशलिटी ये है, एक तो ये गुजरात में प्रेजेंट है, ऊपर से इसको रीमॉडर्नाइज किया गया है। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें रेलवे स्टेशन के ऊपर 5-स्टार होटल है। इसके लिए रेलवे को कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ा, ज़मीन नहीं लेनी पड़ी होटल के लिए, उन्होंने 5-स्टार होटल रेलवे स्टेशन के ऊपर ही बना दिया। और ये इंडिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है इसकी बिल्डिंग। अगर नेक्स्ट मॉडल की बात की जाए तो इसमें क्या? ये रानी कमलावती रेलवे स्टेशन है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इसका पहले नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसमें 700 प्लस सिटिंग स्पेस है जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर, और जो 300 प्लस व्हीकल, इसमें पार्किंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसमें ट्रैवलेटर एरिया है, ये पार्किंग एरिया है। हाँ जी, इसमें क्या है, लिफ्ट, ट्रैवलेटर्स, एक्सकेवेटर्स सब मॉडर्नाइज्ड है। और ये 3AC टायर इकोनॉमी क्लासेस का एक मॉडल है। इसमें क्या है, बर्थ का साइज़ नॉर्मल साइज से बड़ा होता है। इसमें हर बर्थ के पास अपनी स्नैक टेबल्स होती हैं, लार्ज ग्लास विंडोज़ दी गई हैं, हर चार्जिंग पॉइंट बर्थ के पास होता है, टेबल लैंप्स होती हैं, वॉशरूम का साइज़ नॉर्मल साइज से बड़ा होता है, जैसे बर्थ का साइज़ बड़ा बना है। हैंडीकैप लोगों के लिए भी बहुत ईजी पड़ता है। वहाँ पर चिनाब है, चिनाब ब्रिज वाला। हाँ, ये वाला जो ब्रिज है ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इट्स हायर देन एफिल टावर। ये कम से कम 359 मीटर्स लंबा है, ऊंचा। हाँ जी, अभी इसमें ये है कि ये प्रोसेस में, ये जो वर्क चल रहा है ना रेलवे का, ये प्रोसेस में इसका आर्च कंप्लीट हो गया है, बट जो प्लेटफॉर्म है ना जिस पर ट्रेन रन करेगी उस, वो अभी वर्किंग पे है। ये जो बुलेट भी है, देख पा रहे हैं। हाँ, शिमला में जो ब्रिज है उससे भी। हाँ, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, मतलब एफिल टावर से बड़ा। ये जो आप क्रेन्स देख रहे हैं ये भी वर्ल्ड की सबसे ऊंची क्रेन्स है जिनके थ्रू ये वर्क चल रहा है, हायर देन 1000 मीटर्स। और मीटर्स नहीं, लाइक और इनके बारे में काट देना और आगे कवर कर लेती है। ये जो स्टीम इंजन है ये नीलगिरी माउंटेन्स पर चलता है। तो इसमें ये रैक पिनियन सिस्टम पे वर्क करता है। इसमें एक एक्स्ट्रा गियर होता है, जैसे कि अगर आप पहाड़ों पे, आप माउंटेन्स पे जाते हैं तो कोई फिसलने का डर नहीं रहता, क्योंकि जो एक्स्ट्रा गियर होता है ना वो डायरेक्ट ब्रेक मारता है। तो कई बार अगर आप माउंटेन्स पे जाते हैं तो डर लगता है कि यार ट्रेन ना फिसल जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो जो रैक पिनियन सिस्टम है ना वो यही काम करता है, क्योंकि जो स्टीम इंजन होते हैं वो हल्के होते हैं, वो फिसल सकते हैं। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, इंडिया के सबसे बड़े इंजन का मॉडल है।
1200 हॉर्स, ये 12,000 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है इसमें। अगर आप इसमें 8,000-9,000 टन बांध भी देंगे ना, अच्छा, तो भी ये 120 की स्पीड में दौड़ सकता है। अच्छा, इसका मेन यूज किस चीज में होता है मैम? इतना हैवी जो हॉर्स पावर है इसका, इतनी क्षमता का यूज है? ताकि इसको कोई, इसका जो यूज होता है ना, हाँ, मालगाड़ी वगैरह, ये भी इट इज ओनली वर्क फॉर गुड्स, ये गुड्स के लिए होता है। जो ये रेल का नक्शा, हाँ, है, जो रेल, जैसे कि अपने स्पेशली रेल बनाई, हाँ, है, ताकि बहुत कन्वीनियंट हो जाए अपने जो व्हीकल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। कंपनीज वगैरह पहले क्या करते थे, शिप्स लेते थे, बट शिप्स, ये सारी चीज़ें, फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाते, तो अपना कन्वीनियंट सिस्टम ये है कि आप ट्रेन के थ्रू अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं ईजीली। ये केवड़िया रेलवे स्टेशन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाता है डायरेक्ट, ये दो स्टेशन से और मिलता है। अच्छा, जो सरदार जी की फोटो, हाँ हाँ, तो ये दो स्टेशन से और मिलता है, चंदूद और दबोई, ये तीनों स्टेशन डायरेक्ट, ये दोनों स्टेशन डायरेक्ट केवड़िया से अटैच होते हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाते हैं। जो इसकी अदर स्टेशन हैं वो है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और आई डोंट नो एक और है, मेरे दिमाग से निकल गया नाम उसका, तेजस एक्सप्रेस, हाँ, ये क्या है कुछ? ये भी हाई स्पीड फुली एयर कंडीशनर ट्रेन है, 2017 से चली है, नई दिल्ली से स्टार्ट हुई है, हाँ जी। अच्छा। ये योगनगरी ऋषिकेश रेलवे, ये जो दोनों रेलवे स्टेशन है ना, एक तो केवड़िया रेलवे स्टेशन, हाँ, और एक योगनगरी रेलवे स्टेशन जो है ना, ये अभी रिसेंटली बने हुए रेलवे स्टेशन है, रिसेंटली बने, हाँ जी। इससे क्या आपकी चार धाम की जो यात्रा है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई है, बहुत इजी पड़ता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस वही है। और ये वाली हम सफर एक्सप्रेस की बात की, ये भी इंडिया में ही बनी है, जो अभी मैंने आपको ट्रेड इकोनॉमी कोचेज दिखाया ना, वो सब इसमें प्रेजेंट है। एक ट्रेन है मैम, एक ट्रेन है जो रामायण वगैरह की ट्रेन चली उस साइड है, उसके बारे में थोड़ा यूट्यूब पे कमेंट किए, तो मतलब सॉरी इंडियन रेलवे जहाँ पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ कवर करती है ना, वही चीज़ है। टोटल हो गया, अरे यहाँ गति शक्ति का यार, आप ये कर लो, जो गति शक्ति प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है, ये 2030 तक का एक प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है, जो हमारी मैन्युफैक्चर कंपनीज होते हैं, जो किसान होते हैं, वो अपना सामान एक जगह से जब दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उनको बहुत महंगा पड़ता है, तो उसी को कन्वीनियंट करने के लिए ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये 2030 तक आ जाएगा। इसमें वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम पैसे, बहुत चीप उसमें लेके जा सकते हैं। और कोई आइटम जो हमने कवर नहीं किया, रेलवे का जो नया इम्प्रूवमेंट हुआ, ये जो आप मैन्युफैक्चर देख रहे हैं ना, हम इंफ्रा, हाँ, ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं हमारे पवेलियन का, ये सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन का एक रेप्लिका है, नया स्टेशन आया है, ये बेंगलुरु में है। अच्छा, ये भी मॉडर्नाइज्ड है, हाँ, ये भी मॉडर्नाइज्ड है। इसका नाम इसीलिए सर एम विश्वेश्वरैया पे पड़ा है, वो इंडिया के सबसे बड़े सिविल इंजीनियर थे, जिनको, हाँ, जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा डैम बनाया था, तो उनके नाम पर बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन का नाम सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन रखा गया। और यहाँ पर जो मॉडल बनाया गया ना, ये इतना बड़ा, ये जो मॉडल है, नहीं ये नहीं, ये तो गुजरात में है, ये गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन ये गुजरात में है, ये बेंगलुरु में है सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन, और इसका ये पूरा मॉडल है। अच्छा, तो इसमें जो ये मॉडल है मैम, हाँ जी, इसकी क्या कुछ खास विशेषता जो दिल्ली रेलवे स्टेशन से अलग करती है? मैंने आपको बताया इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसमें रेलवे स्टेशन के ऊपर एक 5-स्टार पूरा होटल बिल्ड किया गया है, जो भी यात्रियों को ठहरना हो तो, हाँ, आप यहाँ पे आके, और वही, और ये एकदम इसमें हेलीपैड वगैरह सब कुछ है। अच्छा, एक तो ये, और ये इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है रेलवे स्टेशन की। अच्छा, जो रेवाड़ी या नई दिल्ली से भी बड़ी है, जो गुजरात में है। अच्छा, फिलहाल तो ये जो दो इम्प्रूवमेंट आपने बताया इतने अच्छे तरीके से, अच्छा, आपको रेलवे की इतनी अच्छी नॉलेज मैम, क्या कैसे कहाँ से? नहीं मैम, मुझे तो पढ़ पढ़ के हो गई, हाँ, बन चुका है, ये प्रोसेस में नहीं, ये पूरा बन चुका है। अच्छा, बन चुका है।
और कुछ मैम, और कोई इम्प्रूवमेंट नया जो सरकार ने ऐड किया? इम्प्रूवमेंट मैंने आपको पता है विस्टाडोम टूर, कितने बड़े बड़े इकोनॉमी क्लासेस चेंज की गई हैं, ट्रेन में फैसिलिटी की गई है, जैसे कि वंदे भारत पूरी ट्रेन एसी सेंट्रलाइज्ड है, मतलब अगर आप अंदर जाएंगे आपको फील ही नहीं होगा कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, वो इतना हाईटेक उसमें फैसिलिटी दी गई है, ऑटोमेटिक डोर्स दिए गए हैं, जैसे कि थ्री टायर इकोनॉमी क्लासेस में भी वाइड डोर्स दिए गए हैं। इसकी बात की जाए तो ये विस्टाडोम टूरिस्ट कुछ आई टोल्ड यू दैट इसमें आपको रोटेशनल चेयर्स मिलती हैं, अपनी खुद की स्नैक टेबल्स होती हैं, बहुत कन्वीनियंट पड़ता है, और इसमें भी वाइड लार्ज ग्लास विंडोज दी गई हैं ताकि आप सीनरी इंजॉय कर सकते हैं, जो ऊपर का टॉप रूफ है ना वो भी ट्रांसपेरेंट है ताकि आप वेदर इंजॉय कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स जो जाते हैं सब आप देख सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे कवर करती है जिससे कि इन्होंने इतना ट्रांसपेरेंट किया है, तो कोई अच्छी जगह से निकलती है? ये गुवाहाटी माउंटेन वगैरह, हाँ ये माउंटेन्स पे जाती है, कालका शिमला एक्सप्रेस और गुवाहाटी वगैरह बहुत जगह जाती है। अच्छा, तो पुणे अच्छा, से छत्रपति शिवाजी महाराजा हर जगह जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जैसे कालका शिमला हाईवे है जो माउंटेन में से निकलती है उसी तरह से थोड़ा? हाँ ये बस इंजॉयबल, ये एक ये आप सोच लो ये स्टीम इंजन है। अच्छा, तो ये बहुत स्लो चलती है ताकि आप सीनरीज इंजॉय करके पिक्चर्स लेके आप फर्राटे से ना निकल जाओ, आराम आराम से निकलो, ये उन्हीं ट्रेन में होता है। तो आप भी मैम रेलवे से जुड़े नहीं, हुए? मैं रेलवे से नहीं हूँ, इवेंट लाइन से। हाँ। अच्छा, तो आपको पहले नॉलेज दी गई है कि नहीं? वो थोड़ा पढ़ पढ़ के नॉलेज हो ही जाती है। अच्छा अच्छा, आपका भी मैम यूट्यूब चैनल वगैरह है जो भी आप? नहीं मैं सोच रही हूँ मैं बना लूँ। अच्छा आपका? नहीं मैं सोच रही हूँ मैं बना लूँ, आप मेरे चैनल का प्रमोशन कर देना ठीक है, अगर मैं बनाऊँगी तो। ओके, क्योंकि आपका वे ऑफ टॉकिंग और बताने का जो प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा लगा, मतलब कि आपको अच्छी नॉलेज है हर चीज़ की। थैंक यू सर, अपना चैनल को